किडनी बायोप्सी कराने से कहीं किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं हो जाता है। तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हेल्थ हीलिंग। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते रहते हैं जिसमें बहुत से लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि सर जो हम किडनी की बायोप्सी करवाने वाले हैं या हमारी किडनी की जो बायोप्सी हो चुकी है कहीं उससे हमको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है या कहीं हो तो नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपके मेरे पास आते रहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किडनी बायोप्सी होता क्यों है और ये होता कैसे है और ये किस लिए किया जाता है। तो देखिए पेशाब से जब प्रोटीन आ रहा होता है तो डॉक्टर को ऐसा पता नहीं चलता है यूरिन टेस्ट से ब्लड टेस्ट से कि आपकी किडनी में क्या इन्फेक्शन है। तो इसको अच्छे से जानने के लिए डॉक्टर आपकी किडनी का टिश्यू निकालते हैं, छोटा सा टिश्यू निकालते हैं, 2.5 से 3 mm तक का टिश्यू होता है वो, और फिर उसका लैब में टेस्ट किया जाता है। और ये टिश्यू निकालने के लिए जो का प्रोसेस है उसको किडनी बायोप्सी बोला जाता है। इसी किडनी बायोप्सी के जरिए डॉक्टर पता लगा लेते हैं कि आपके किडनी में क्या इन्फेक्शन चल रहा है और इसी के हिसाब से रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर आपका मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। जब आपका किडनी का बायोप्सी किया जाता है तब एक नीडल के द्वारा पहले आपको एनिथीसिया दे दिया जाता है। एनिथीसिया देने के बाद आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसके बाद आपके पीछे से पीठ के हिस्से से या नीचे से इंजेक्शन के द्वारा छोटा सा टिश्यू निकाल लिया जाता है। फिर ये टिश्यू निकालने के बाद डॉक्टर आपके पीठ पे जहाँ से निकाला जाता है वहाँ पे बैंडेज बांध देते हैं और आपको 6 से 7 घंटे के लिए एडमिट करके रखते हैं और आपको 4 बोतल यूरिन के लिए देते हैं कि आपको इसमें यूरिन पास करना है। वो इसलिए होता है कि जो आपका टिश्यू निकाला गया है कहीं उसकी जख्म की वजह से आपके पेशाब में से ब्लड वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं आ रही हैं। जब बिल्कुल ओके हो जाता है कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपकी छुट्टी कर देते हैं। तो आपको किडनी बायोप्सी करवाने से कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आप बेझिझक किडनी बायोप्सी जरूर करवाएं क्योंकि तभी आपको अपनी सही बीमारी का पता चल पाएगा। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।